पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स मामले में नवाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया है। अब नवाज को प्रधानमंत्री पद छोड़ना होगा। शरीफ पर प्रधानमंत्री पद पर रहने के दौरान लंदन में बेनामी संपत्ति बनाने के आरोप हैं। पिछले साल पनामा पेपर लीक में इस बात का खुलासा हुआ था। 5 जजों की बेंच ने एक सुर में नवाज को बेनामी संपत्ति बनाने का आरोपी करार दिया। नवाज शरीफ अब तक 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन एक भी बार वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उम्मीद लगाई जा रही थी कि नवाज इस बार अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार ने उनकी कुर्सी छीन ली है। आपको बता दें, 2018 में पाकिस्तान में आम चुनाव होने हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।